आज आपको एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जिसके द्वारा आप अपने घर में तंत्र बाधा, नेगेटिव एनर्जी और कोई भी किया कराया है उसको चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपके घर में आपको क्या करना है, या तो कोई पापड़ बनाइए या अचार बनाइए या मंगोड़ी बनाइए, या नहीं भी बनाते तो अपने हिस्ट्री को देख लीजिए कि आपने पहले बनाया और किस तरह का रिज़ल्ट आपको मिला। अक्सर जो महिलाएं पीरियड्स में होती हैं, जब उनकी छाया पड़ जाती है मंगोड़ी पर, चिप्स पर, अचार पर, पापड़ पर, तो वो काले पड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या उनमें फंगस आ जाती है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी स्त्री की छाया इस पर नहीं पड़ रही है, फिर भी आपके घर में अक्सर मंगोड़ी ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस पड़ जाती है, या आपके घर में अक्सर पापड़ ख़राब हो जाते हैं, जब भी चिप्स बनाते हैं वो काली पड़ जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कई बार कुछ और भी रीज़न होता है चिप्स काली पड़ने का, लेकिन नॉर्मली हमेशा जब आप बनाते हैं तो ख़राब ही बनती है, कभी बन नहीं पाती, फंगस लग जाती है। या अचार जब भी बनाते हैं अचार ख़राब हो जाता है, या आपके घर के पेड़ पौधे जो हरे थे अचानक से सूखे पड़ जाते हैं, किसी पौधे में बहुत पानी दे रहे हैं, उसकी पूरा रख रखाव कर रहे हैं, लेकिन तब भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नकारात्मकता का इंडिकेशन देती हैं कि आपके घर पर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है या घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। इसके निवारण के लिए आपको घर में हवन कराना चाहिए। गायत्री हवन करवा सकते हैं, बहुत पवित्र होता है। रामायण जी के पाठ करा सकते हैं। आप अन्य धर्म के हैं तो अपने धर्म के अनुसार जो भी व्यवस्था है हवन यज्ञ की, वो आप करा सकते हैं। ये करने से, या ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इनको करने से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। किसी उल्टे सीधे तंत्र मंत्र या बाबा ओझा के चक्कर में ना पड़ें। पुरुषों की ही बात नहीं करें, कहीं हम महिलाओं के भी ऐसे चैनल देख रहे हैं जो बिल्कुल फर्जी वाड़ा बताती हैं और टोने टोट के बिना बात के बेकार के बताती हैं। तो आप किसी के भी चक्कर में पड़ के अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। सही ज्योतिषियों को चुनें जिन्होंने बाकायदा ज्ञान प्राप्त किया है, जो बाकायदा प्रशिक्षित हैं और जो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ YouTube पर आ जाने से ही आप किसको उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि वो व्यक्ति कोई ज्ञानी है, या जिसको जितना अच्छे थंबनेल बनाना आता है, जिसको जितना अच्छा बोलना आता है। कई ऐसे लोग भी घुसे पड़े हैं इस प्रोफेशन में। तो आपको पहचानना है, सही पंडित, सही ज्योतिषियों से सलाह लेकर सॉल्यूशन करना है। जो भी आपके नियरेस्ट अच्छे पंडित जी हैं, आप उनसे संपर्क करें और अपने घर में इन दोषों का निवारण करें। धीरे धीरे आपको फ़र्क पड़ने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेडिटेशन करने से, पॉजिटिव थॉट रखने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें और पहचानें आपके घर के तंत्र बाधा और उसको दूर करें।